अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 एडवांस्ड मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 पार्ट 2। तो इस एक्सरसाइज के पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका, अगर आपने नहीं देखी होगी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और मैं भी प्लेलिस्ट के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ज़रूरी बात यह है कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बाइनरी नंबर के एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में बहुत डिटेल्स विस्तार से बताया। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड और इवेल्युएट। कुछ बुक्स में फाइंड लिखा होता है और कुछ बुक्स में इवेल्युएट लिखा होता है, दोनों के मतलब सेम है, मतलब यहाँ तीन क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 152 टू द बेस 8 प्लस 34 टू द बेस 8। तो यहाँ जो दो नंबर्स दिया गया है इनके बेस 8 है, मतलब ये दोनों नंबर्स ऑक्टल नंबर्स है, तो इनको ऐड करना। तो इनको ऐड करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो है डायरेक्ट ऐड कर लेना जैसा कि हम डेसिमल नंबर्स ऐड करते हैं, और दूसरे है इन दोनों को फर्स्ट डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना, इसके बाद ये दोनों डेसिमल नंबर्स को ऐड करना, और इसके बाद दोनों के ऐड में से जो सम आएगा ना, जो रिजल्ट आएगा, इसको फिर से ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर लेना। तो ये है दो तरीके, तो मैं दोनों ही तरीके से आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो फर्स्ट दोनों नंबर्स को डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, तो डायरेक्ट ऐड करने के लिए आप चाहे तो इसको बांटे के लिए अरेंज कर सकते हैं, 150 टू द बेस 8 और यहाँ 34 टू द बेस 8, अब ऐड करना। तो देखिए 0 प्लस 4 क्या होते हैं, 4 ही होगा ना, किसी नंबर के साथ 0 ऐड हो जाए तो वही नंबर आएगा, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। अब देखिए 5 प्लस 3 क्या होगा, 8 होगा। भाई आप थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है देखिए, ऑक्टल नंबर सिस्टम में, ऑक्टल में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं 8, मतलब 0 से लेकर 7 तक, ठीक है, यहाँ 8 डिजिट्स होते हैं, कितने डिजिट्स होते हैं, 8 डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 7 तक, आप गिनकर देख लीजिए। दूसरी बात ये है कि हम जिस मेथड में, मतलब जिस न्यूमरेशन सिस्टम यूज़ करते हैं वो है डेसिमल न्यूमरेशन सिस्टम, और इस सिस्टम में 0 से 9 तक टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, कितने डिजिट्स, 10 डिजिट्स, 0 से 9 तक डिजिट्स आएंगे, ठीक है, तो यहाँ 10 डिजिट्स होंगे, आप गिनकर देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 9, कितने डिजिट्स, टोटल 10 डिजिट्स, ठीक है। तो और एक सीधा सा एग्जांपल देख लेना, मान लीजिए 132 है, ठीक है, इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं 28 को, 28 ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए ये एक डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है, तो हम कैसे ऐड करते, 2 प्लस 8 क्या होते, 10 होते, तो क्या 10 के लिए वही 10 यहाँ हम लिख देते, बिल्कुल नहीं भाई, हम क्या करते 10 के ये जो 0 है ना, 0 यहाँ लिखते, और ये जो 1 है ये 1 इस नंबर पर कैरी कर लेते, मतलब क्या है, सेकंड कॉलम में जो दो नंबर्स या दो से ज़्यादा नंबर्स ऐड करते हैं ना, तो ऐड करने के बाद ये जो होते हैं कैरी, जिसको कैरी करके यहाँ लाया 1, इसको हम इसके साथ ऐड कर लेते हैं, वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ऑक्टेल में क्या होता है, देखिए यहाँ 5 प्लस 3 क्या हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, लेकिन ऑक्टेल सिस्टम में टोटल डिजिट से 8 और लास्ट डिजिट जो होगा ना वो है 7, और इसके डिजिटल वैल्यू भी 7, मतलब क्या है, किसी न्यूमरेशन सिस्टम में जितने सारे डिजिट्स होंगे तो इस सिस्टम में लास्ट डिजिट जो होगा ना, इसके डिजिटल वैल्यू टोटल नंबर ऑफ डिजिट से 1 कम होगा। सीधी सी बात यह है कि ऑक्टल नंबर में टोटल 8 डिजिट्स है, तो लास्ट डिजिट जो होगा ना 7, वो 8 से 1 कम है। डेसिमल सिस्टम की बात की जाए ना, तो टोटल डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स 10 है, और लास्ट डिजिट जो होगा ना वो सबसे बड़ा होगा और वो 9 होगा, मतलब 10 से 1 कम, तो ऐसे ही चलते हैं। अब देखिए बाइनरी की केस में टोटल डिजिट्स क्या है, 0 और 1 ये दो डिजिट्स होते हैं, और सबसे बड़ा डिजिट यहाँ 1 ही होते हैं, और 1 मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स तो 2 है ना, तो 2 से 1 कम मतलब 1 होते हैं, ये तो शायद आपको पता होगा। अब देखिए जब हम 5 प्लस 3 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, क्या हम यहाँ 8 लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भाई, इस सिस्टम में तो 8 के नाम से कोई डिजिट है ही नहीं, टोटल ही नहीं है, क्योंकि ऑक्टल नंबर में जितने सारे नंबर्स आएंगे 0 से 7 तक डिजिट्स इज होगा, इसके ज़्यादा कुछ नहीं, हमारे सिस्टम में इसके अलावा भी दो डिजिट्स होते हैं ना, 8 और 9 होते हैं ना, तो हम 8, 9 यूज़ करते हैं किसी भी नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए, लिखने के लिए, लेकिन ऑक्टल सिस्टम में 8 और 9 दो डिजिट्स टोटली नहीं है, तो हम कैसे यहाँ 8 यूज़ करेंगे, नहीं कर सकते ना, क्योंकि 5 प्लस 3 यहाँ तो 8 हो रहे, तो आप करना क्या, तो ज़रूरी बात यह है कि जब हमने 2 प्लस 8
दोनों के ऐड किया, ये दो डिजिट से किया, टॉ किया या टेन आया। तो टेन के लिए हमें क्या लिखना पड़ा, जीरो लिखना पड़ा। और ये जो टेन लिखने के लिए ये बाई तरफ जो वन है ना, इसको यहाँ नेक्स्ट कॉलम में कैरी किया। ठीक है, तो सेम काम यहाँ करेंगे। ठीक है, यहाँ 5 + 3 8 हो रहा है, लेकिन 8 तो नहीं लिखना। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ 2 + 8 जब 10 हुआ, 10 के लिए 0 लिखा, तो 9 के बाद ही 10 आती है, और डेसिमल सिस्टम में लास्ट डिजिट क्या है, 9 है। अब एक चीज़ देखिए, इसके केस में लास्ट डिजिट क्या है, 7 है। लास्ट डिजिट तो 7 है ना, सबसे बड़ा डिजिट है, और इसके बाद में 8 आ रही है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इसके बाद ही 8 आ रही है, लेकिन 8 तो यहाँ नहीं है। तो मतलब क्या है, 7 के बाद 8, मतलब एक डिजिट ज़्यादा है। 9 के बाद 10 आ रही है इसके केस में, तो एक डिजिट ज़्यादा है। तो जब ऐसा ही एक डिजिट ज़्यादा हो जाएगा, लास्ट डिजिट तो 7 है ना, और इन दोनों के साम 8 आ रही है, तो 7 से 8 एक ज़्यादा है ना, तो यहाँ 0 लिखना, 5 + 3 0 होगा, 8 नहीं लिखना है, यहाँ 0 होगा। और आप 1 कैरी करना, 1 यहाँ कैरी करके आ जाएगा, तो आप 1 + 1 क्या होगा, 2 ही हो जाएगा। ठीक है, आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, जिस आदमी को ऐसे न्यूमेरिकल सिस्टम के बारे में कुछ भी पता नहीं, अगर ऐसी कोई बंदा इस सॉल्यूशन को देखे ना, तो कसम खा के वो बोलेगा कि भाई ये रॉन्ग है, ये किस टाइप के सॉल्यूशन है, ये कैसे टीचर है, ऐसे ही रॉन्ग पढ़ाते हैं, ऐसे ही कहेगा ना। तो बात ये है कि 5 + 3 इज इक्वल टू 0 आ रही है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 8 और 9 कोई डिजिट है ही नहीं दुनिया में, कोई डिजिट ऐसे कोई डिजिट है ही नहीं, तो आप क्या करते हैं दोनों को ऐड करने के बाद, तो भाई ऐसे ही सॉल्व करनी होगी। ठीक, तो मतलब क्या है, इन दोनों को ऐड करने से हमें क्या मिला, 204, और इसके बेस 8 होगा। ठीक है, तो देयर फोर हम लिखेंगे 150 टू द बेस 8 प्लस 34 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 204 टू द बेस 8। ठीक है, तो भाई देखिए इस मेथड से आपको दिक्कत है, जो दूसरे मेथड भी मैं दिखा दूंगा, 150 टू द बेस 8 प्लस 34 टू द बेस 8। ठीक है, तो देखिए फास्ट दोनों को कन्वर्ट करना, देयर फोर देखिए 150 टू द बेस 8 इज इक्वल टू, तो कन्वर्ट कैसे करते हैं डेसिमल में, ये तो आपको पता होगा, यह जो डिजिट्स है ना, सब डिजिट के साथ यह जो बेस है इसको मल्टीप्लाई करना, सिर्फ बेस नहीं, बेस के इंडेक्स को, एक्सपोनेंट को। तो ये एक्सपोनेंट कैसे होते हैं आप देखिए, तो फर्स्ट डिजिट क्या है, 1 है, तो बेस क्या है, 8 है, तो 1 × 8 प्लस होते हैं, इसके बाद डिजिट क्या है, 5 है, तो 5 × 8 प्लस, इसके बाद 0 है, तो 0 × 8। अब ये जो बेस 8 है ना, इस पर पावर लगाना, तो पावर कैसे लगाते हैं, एक्सट्रीम राइट से शुरू करते हैं, और फर्स्ट क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, 0 इसके बाद 1 इसे आते हैं, तो 0 1 2 आएगा, इसके बाद अगर डिजिट आते हैं ना, तो 3 4 करके ऐसे ही होते, तो इज इक्वल टू देखिए 8² इज इक्वल टू 64, तो 64 × 1 64 ही होगा, प्लस 8^1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, एनीथिंग टू द पावर 1 इज इक्वल टू वही नंबर होगा। ठीक है, तो 5 × 8 40 प्लस 8^0 इज इक्वल टू 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होते हैं, तो 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो तो 0 बन जाएगा, तो इज इक्वल टू आप देखिए 64 + 40 + 0 इज इक्वल टू 104 होगा। ठीक है, 104, तो भाई ये जो नंबर है ना ऑक्टल, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका। आप देखिए इसको करते हैं, तो 34 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 3 × 8 होते हैं, प्लस फिर से देखिए डिजिट 4 है, तो 4 × 8 होते हैं। ठीक है, अब पावर लगाना है, 8 पर पावर 0 लगाएंगे, इस पर 1 लगाएंगे, तो इज इक्वल टू देखिए 8^1 इज इक्वल टू 8 होगा, और 3 × 8 24 हो जाएगा, प्लस है 8^0 इज इक्वल टू 1, और 4 × 1 4 होते हैं। ठीक है, तो 24 + 4 इज इक्वल टू 28 होते हैं। ठीक है, तो ये भी डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका। आप देखिए ये दोनों डेसिमल में है, तो यहाँ क्या है, साइन प्लस है, तो दोनों को प्लस करना, देयर फोर आप लिख सकते हैं 104 + 28 इज इक्वल टू 132, तो ये दोनों तो प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो 132 ये तो डेसिमल में है ना, लेकिन यहाँ हमें ऐड किस सिस्टम में कर रहे हैं, ऑक्टल सिस्टम में, तो आप इसको फिर से ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं देखिए, तो देयरफॉर आप नाउ लिखना, नाउ 132 ऑक्टल के बेस क्या होते हैं, 8 होते हैं ना, तो 8 से डिवाइड देना। ठीक है, तो 8, तो 8 13 में 1 टाइम होगा। ठीक है, 1 × 8 8, बाकी रहेगा 5, तो इसके सामने अगर 5 आ जाए तो 52 हो जाएगा, तो देखिए 8 6 48 होते हैं, 48 होते हैं ना, तो 52 - 48 क्या यहाँ बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, सॉरी 4 बचेगा, अब देखिए 8 × 2 = फिर से 8 से 8 × 2 = 16 बचेगा 0। तो यहाँ देखिए यह जो नंबर आना है ना ऑक्टल, ये कैसे आएगा, तो 204 होगा,
हम ऐसे ही काउंट करके जाते हैं ना, यहाँ से शुरू करते और यहाँ जो रिमाइंडर बचते हैं ना, इन रिमाइंडर्स को हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो देयर फोर ये क्या है, 132 है, 132 ये तो डेसिमल में है, तो 132 इन डेसिमल इज इक्वल टू 204, 204 इन ऑक्टल बेस, ठीक है। तो देयर फोर आप फाइनल लिखना भाई 150 टू द बेस 8 प्लस 34 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 204 टू द बेस 8। बाय सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब देखिए दोनों ही प्रोसेस में सेम ही रिजल्ट है, सेम रिजल्ट तो आना ही है ना भाई। तो आपको जिस मेथड अच्छे लगे ना तो वही से कर लेना, ठीक है। मैं दोनों ही मेथड देखा दिया आपको। नेक्स्ट नंबर देखिए 2347 टू द बेस 16 माइनस 274 टू द बेस 16, अब यहाँ माइनस करना, ठीक है। तो ये है हेक्साडेसिमल नंबर जहाँ के बेस 16 होते हैं। तो अब एक चीज़ देखिए, बेस 16 बेस में तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होगा, वही 16 ही होगा, जो बेस होगा ना वही है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। ऑक्टल में बेस 8 होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स भी 8 होते हैं, डेसिमल में बेस 10 होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स भी 10 होते हैं। तो हेक्साडेसिमल में वही होना चाहिए ना, बेस 16 है तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, 16 ही होना चाहिए, और लास्ट डिजिट की डिजिटल वैल्यू क्या होना चाहिए, 16 से एकदम मतलब 15 होना चाहिए। तो अब बात आती है कि ये डिजिट कौन सी हो गई। फर्स्ट देखिए 0 से 9 तक तो यहाँ 10 डिजिट्स होते हैं, कितने होते हैं, 10 ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें 10 मिल गया, डेसिमल सिस्टम से हमें 10 डिजिट्स मिल गया। अब देखिए 6 डिजिट्स बाकी है ना, तो ये 6 डिजिट्स कहाँ से मिलेंगे, तो इसके लिए देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ करना, फर्स्ट 5 अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर लेना, 6। तो फर्स्ट ए, ठीक है, ए का वैल्यू तो लास्ट डिजिट 9 है ना, तो इसके बाद ए का वैल्यू 10 होगा। ये 10 ये दो डिजिट डेसिमल में 2 डिजिट नंबर है, लेकिन हेक्साडेसिमल में ये सिर्फ एक डिजिट माना जाएगा। नेक्स्ट बी, तो बी के वैल्यू क्या होना चाहिए, 11। नेक्स्ट सी 12, इसके बाद डी 13, इसके बाद ई 14, और इसके बाद लास्ट में एफ आएगा, एफ इजिकल टू 15, ठीक है। तो ये है 6 डिजिट्स और यहाँ आपको मिलेगा 10 डिजिट्स, ठीक है। तो हम यहाँ इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो भाई ये जो दो नंबर्स है ना, इससे इसको माइनस करना हेक्साडेसिमल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इजी हो जाएगा, फास्ट दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना कुछ नहीं, क्या करना, देयर फोर 2347 टू द बेस 16 इज इक्वल टू, यह सब डिजिट के साथ ये जो बेस 16 है ना मल्टीप्लाई करना 16 के एक्सपोनेंट को। तो फर्स्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो 2 इंटू 16 होगा, ठीक है, प्लस हमारे बाद में लगाएंगे। इसके बाद डिजिट क्या है, 3 है ना, तो 3 इंटू फिर से 16 प्लस, इसके बाद 4 है तो 4 इंटू 16 प्लस, इसके बाद 7 है तो 7 इंटू 16। अब पावर लगाना, तो पावर तो 0 से स्टार्ट करते हैं ना और एक्सट्रीम राइट से, तो 16 इंटू 0 1 2 3, ठीक है। तो इज इक्वल टू देखिए 16 क्यूब क्या होना चाहिए, तो 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 256, और इसके साथ फिर भी 16 इज होगा, ठीक है। 16 क्यूब मतलब 16 इंटू 16 इंटू 16, ठीक है। तो 16 इंटू 16 256, और इसके बाद फिर से वही वही को 16 से मल्टीप्लाई करना, 6 6 36, 6 कैरी ओवर 3, 6 5 30 प्लस 3 33, 3 2 6 12 प्लस 3 15, ठीक है। 1 6 6, 1 5 5, 1 2 2, तो 6 9 0 4, तो 4096 आएगा, और इसके साथ देखिए 2 मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, तो फिर से इसे 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 2 6 12, 2 कैरी ओवर 1, 2 9 18 प्लस 1 19, 9 कैरी ओवर 1, तो 2 0 1 होगा, 2 4 8, तो 8 1 9 होगा, 8 1 9 2, ठीक है। प्लस इसके बाद 16 स्क्वायर इजिकल टू 256 होते हैं ना, 256, और इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 6 18, 8 कैरी ओवर 1, 3 5 15 प्लस 1 16 6 कैरी ओवर 1, 3 2 6 प्लस 1 7 7 68, 768 होते हैं, ठीक है। प्लस 16 2 1 इज इक्वल टू 16, और 4 इंटू 16 64 होगा, प्लस 16 2 0 इज इक्वल टू 1 होते हैं, और 7 इंटू 1 7 होते हैं, इज इक्वल टू आप सबको ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ क्या आया, 8 1 9 2, 8 1 9 2 प्लस 7 6 8, 7 6 8 प्लस 6 4 प्लस 7, ठीक है। तो 9 0 3 1 आया, 9 0 3 1, ठीक है। तो भाई ये जो नंबर है ना, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, अब इसकी करेंगे एंड 274 टू द बेस 16 इज इक्वल टू,
अच्छा यहाँ बेस 10 लगा दीजिए, ना लगाए तो पीछे लगा तो लगाना अच्छा है। तो यहाँ फर्स्ट डिजिट क्या है, 2 है ना, तो 2 इंटू बेस 16 प्लस, इसके बाद डिजिट 7 है तो 7 इंटू 16 प्लस, इसके बाद क्या है 4 है तो 4 इंटू 16, तो 16 टू 0, यहाँ 1, यहाँ 2, तो इज इक्वल टू, देखिए 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 256, और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए ना तो 2 6 12 टू 5 10 प्लस 1 11, ठीक है, तो 2 2 4 प्लस 5 512 होगा, 512 प्लस 16 टू 1 इज इक्वल टू 16, 7 इंटू 16 क्या आना चाहिए 112 आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए प्लस 16 टू 2 इज इक्वल टू 1 और 4 इंटू 1 4 होगा, इज इक्वल टू 512 112 और 4 तो 8 होगा और 2 होगा और 5 6 628, तो ये भी कन्वर्ट हो चुका डेसिमल में। आप देखिए यहाँ माइनस है ना, तो ये डेसिमल दोनों नंबर को माइनस कर लीजिए, ठीक है। देयरफॉर देखिए 9031 माइनस 628 इज इक्वल टू 9031 628, तो 11 माइनस 8 3 है, यहाँ 2 माइनस 2 0 है, और यहाँ 10 माइनस 6 4 होगा, और यहाँ 8 होगा, 8403, ठीक है। अब देखिए ये तो डेसिमल में आया भाई, बट यहाँ तो हेक्साडेसिमल में, तो क्या करना है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, सिंपल सी बात है। नाउ इसको हेक्सा में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, तो 8403, तो हेक्साडेसिमल की बेस 16 होती है, तो 16 से प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह इसको डिवाइड दे कराना है, ठीक है। लेकिन यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर रहा हूँ, इसकी प्रोसेस थोड़ा सा इसके साथ मिलती जुलती है, ठीक है। तो 16 देखिए 84 में 5 टाइम्स होगा, 5 16 80, ठीक है, और 5 आएगा, बाकी रहेगा 4, तो 40 होगा, तो 2 टाइम्स होगा, बाकी रहेगा 8, फिर से 5 होगा, 83 है, तो यहाँ बचेगा 3, रिमाइंडर 3 बच रही है, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए 16 525 8400 आएगा, ठीक है। अब फिर से 16 से डिवाइड है ना, तो 16 52 में 4 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 3 16 48, बाकी रहेगा 4 45 होगा, फिर 2 टाइम्स होगा, ठीक है, तो 2 16 32, लेकिन यहाँ 45 45 32, तो 3 13 बाकी रहेगा, क्या बाकी रहेगा, 13 बचेगा, ठीक है। अब देखिए फिर से 32 16 से डिवाइड होगा, तो 16 2 32 बचेगा 0, ठीक है, यहाँ तो रिमाइंडर 0 बच रहा है ना, 2 16 32, तो आप देखिए इसकी इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर क्या आएगा, 2 0 13 3, तो यहाँ एक चीज़ देखिए 13 किसके बराबर है, डी के बराबर है ना, हमें देखिए 9 के बाद बाकी 6 डिजिट्स, यह तो लेटर लिया, इंग्लिश लेटर लिया, तो 13 की जगह 3 डी लिखना, ठीक है, तो इसकी जगह डी आ जाएगा, ठीक है, डी आ जाएगा, क्योंकि डी की वैल्यू 13 है, या तो आप 13 को ब्रैकेट में दिखा सकते हैं, यह भी जायज़ है, तो यह एक चीज़ लिखना, देयरफॉर यह क्या है 8403 टू द बेस 10 इज इक्वल टू यहाँ 20 20, यहाँ 13 लिख सकते हैं, अगर 13 लिखे ना तो ब्रैकेट में लिखना, ऐसे ही लिखना, तो बेटर होगा 13 की जगह यहाँ इसकी इक्विवेलेंट अल्फाबेटिकल वैल्यू को लिख देना, तो डी लिख देना, ठीक है, तो 20D3 होगा, ठीक है, 20D3, तो फाइनल लिखना देयरफॉर 2347 टू द बेस 16 माइनस 274 टू द बेस 16 इज इक्वल टू 20D3 20D3। अब देखिए 3 नंबर HAT है टू द बेस 26 इंटू KAD बेट टू द बेस 26, ये है 26 बेस के नंबर, हेक्साबाई जैसे मेल नंबर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना हेक के साथ बेट को, तो आप तक देखिए हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट टोटल 16 डिजिट हमें मिला, 0 से 9 तक तो 10 है, और इसके बाद एस एफ तक और 6 है, टोटल 16 मिल गया, तो 26 बेस के लिए तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट 26 ही होंगे, और लास्ट डिजिट जो होगा ना इसके डिजिटल वैल्यू 26 माइनस 1 25 ही होगा, मतलब एक कम होगा, ठीक है। तो बट वो 26 डिजिट्स क्या क्या होंगे, तो देखिए ये डिजिट्स नॉर्मली इंग्लिश अल्फाबेट्स में से सारे 26 लेटर्स को ले सकते हैं आप, ऐसा ही यूज होते हैं, ऐसे लेकर जेड तक, जहाँ के ए के वैल्यू 0 होगा और जेड के वैल्यू, जेड लास्ट है ना 26th लेटर,
तो यहाँ तो डिजिट होगा, तो लास्ट इसके वैल्यू क्या आएगा, 26 माइनस 1 25 ही होगा। तो हमारे सुविधा के लिए यहाँ ए से जेड तक इन सब के वैल्यूज लिख देंगे। तो यह भाई ए टू जेड सब के डिजिटल वैल्यू लिख दिया। अब देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें बहुत सुविधा मिलेगी यहाँ से। तो फर्स्ट इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये तो आपको पता है। तो देयर फोर एच ए टी टू द बेस 26 इज इक्वल टू एच इंटू बेस लिखना 26 प्लस ए इंटू बेस 26 प्लस यहाँ टी है टी इंटू 26 तो इज इक्वल टू एच के डिजिटल वैल्यू क्या है देखिए 7 है तो 7 इंटू यहाँ पावर लगाना 26 यहाँ 0 होगा 1 होगा 2 होगा तो 7 इंटू 26 को यार तो 26 को अगर स्क्वायर किया जाए ना तो देखिए बहुत सिंपल सी एक नंबर आएगा 6 6 दर 36 6 कैरी ओवर 2 6 दर 12 प्लस 3 15 2 6 दर 12 2 कैरी ओवर 1 2 2 दर 4 1 4 प्लस 1 5 तो 6 7 6 6 7 6 आएगा 6 7 6 प्लस है ए का डिजिटल वैल्यू 0 है तो 0 इंटू 26 टू 1 26 ही होगा प्लस ठीक है डिजिटल वैल्यू देखिए क्या रही है 19 आ रही है ठीक है तो 19 इंटू 26 टू 0 इज टू 1 होते हैं ये तो आपको पता है तो इज इक्वल टू देखिए यहाँ इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना तो 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 7 6 जार 42 2 कैरी ओवर 4 7 7 जार 49 प्लस 4 53 3 कैरी ओवर 5 6 7 जार 42 प्लस 5 47 तो 4 7 3 2 आएगा ठीक है 4 7 3 2 2 आएगा और यहाँ 0 से 26 मल्टीप्लाई करने से 0 बन जाएगा 19 टू 19 तो इसके साथ अगर 19 को ऐड किया जाए ना तो 1 5 7 4 तो 4 7 5 1 आएगा 4 7 5 1 तो भाई ये डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका। अब इसे कन्वर्ट करना बैड बी आई डी टू द बेस 26 इज इक्वल टू बी इंटू 26 प्लस ए इंटू 26 प्लस इसके बाद क्या है डी है ना डी इंटू 26 ठीक है तो इज इक्वल टू बी के डिजिटल वैल्यू क्या है देखिए 1 है तो 1 इंटू अच्छा आप 26 पर पावर लगाना तो 0 1 2 आएगा ठीक है तो 26 को एड इज इक्वल टू क्या आती है तो 676 आती है ना प्लस इसके डिजिटल वैल्यू तो 0 होते हैं तो 0 इंटू 26 टू पावर 1 इज इक्वल टू 26 प्लस डी डी के डिजिटल वैल्यू यहाँ 3 है देखिए तो 3 इंटू 26 टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 आएगा तो आप देखिए 676 इंटू 1 सेम ही होगा 676 होगा यह तो 0 बन जाएगा ये 3 इंटू 1 3 तो 679 होगा ठीक है 679 तो ये भी डेसिमल में आ गया ये तो डेसिमल ये भी डेसिमल आप देखिए इन दोनों को इंटू करना यहाँ इंटू है ना इंटू है तो इंटू करना देयर फोर देखिए 4751 4751 टू द बेस 10 इंटू 679 679 टू द बेस 10 इज इक्वल टू यहाँ हॉरिजॉन्टली कर लेना और यह जो मल्टीप्लाई है ना यहाँ राफ कर लेना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा 3225929 यह भी डेसिमल में होगा ठीक है यहाँ जो मल्टीप्लाई किया यह तो डेसिमल में कन्वर्ट करके किया ना तो हमें यहाँ 26 बेस वाले नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने से तो भाई आप सिंपल सी बात है कि ये जो डेसिमल नंबर है इसको फिर से 26 बेस में कन्वर्ट कर लीजिए हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये कन्वर्ट करना कुछ नहीं बहुत सी इजी बात है तो आप यहाँ कर लेंगे नाउ यह नंबर लिखना 3225929 यह बेस जो 26 है ना इससे डिवाइड दे कराना तो भाई ये 26 से ये पूरा नंबर को डिवाइड दीजिए डिवाइड देने के बाद तो एक नंबर आएगा ना तो वही नंबर यहाँ लिखना यहाँ लिख देना ऐसे ही प्रोसेस में देना तो देखिए 26 32 में वन टाइम होगा वन टाइम बाकी क्या रहेगा यहाँ 32 है ना 32 बचेगा क्या 26 से 32 से 26 माइनस किया जाए तो 6 होगा ठीक है यहाँ फिर से 2 है तो इस 2 को यहाँ लगाने से 62 हो रहा है तो अब 2 टाइम्स होगा तो 26 2 जार 52 तो बचेगा 10 ठीक है तो अब यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिखना तो 105 होगा ना 105 होगा तो 105 में 26 कितने बार है 4 बार है तो 104 होगा 104 हो जाएगा ठीक है यहाँ 4 लिख देना 4 बार है तो बचेगा 1 तो इसके बाद कौन सी नंबर लाना 5 तो ले लिया आप 9 लेना आप देखिए 19 में 26 एक्जैक्टली नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लिखना मतलब 0 टाइम्स होगा मतलब 0 बार जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट डिजिट को डाउन करना तो क्या है नेक्स्ट डिजिट 2 है तो 2 192 आ रही है ठीक है अब 192 में 26 कितने बार है तो देखिए 7 बार है तो 7 लिखना और 7 6 42 2 कैरी ओवर 4
और 7 2 14 प्लस 4 18 होगा, तो 82 हो रहा है, ठीक है 182 हो रहा है। तो 2 - 2 0 होते हैं, 9 - 8 1 होते हैं, तो मतलब यहाँ क्या हो रहा है 10 बच रहे हैं, और लास्ट में देखिए 9 है, तो 9 यहाँ लिखना। अब 109 में क्या होते हैं, कितने कितने बार जाएगा, 26 फोर टाइम्स होगा, ठीक है तो 4 26 यार देखिए 104 होगा, ठीक है तो 109 से 104 माइनस करने से आपको मिलेगा 5, तो यह रिमाइंडर 5 बच रही है, ठीक है। अब फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना, 26 से डिवाइड करना, तो 26 12 में नहीं जाएगा, 124 में कितने बार होगा, 4 टाइम्स होगा, 124 है ना, 124, तो 4 टाइम्स जाए तो 104 होगा, 104 होगा तो बचेगा क्या, 20 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये डिजिट डाउन करना, ठीक है तो 200 में कितने बार है, 7 टाइम्स होगा, तो 7 टाइम्स 182 होगा, ठीक है सॉरी 182, तो देखिए 200 माइनस 182 18 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या डिजिट है, 7, 7 को लेगा ना, तो 187 होगा, फिर से 7 टाइम्स होगा, तो 7 टाइम्स होने से 182 होगा, ठीक है तो 7 - 2 5 है, तो यहाँ रिमाइंडर 5 बचा। अब नेक्स्ट कौन सी डिजिट डाउन करना, 4 है, 4 बचा ना, तो यहाँ 5 है, ठीक है तो 54 में देखिए 26 2 52, तो 52 आ रहा है, मतलब 2 बच रहे हैं, ठीक है 26 2 था, ठीक है तो बचा क्या है, यहाँ 2 बचा, इसके बाद तो और कोई डिजिट नहीं है ना, तो यहाँ 2 ही रिमाइंडर रहेगा। आप फिर से 26 से डिवाइड देना, ठीक है 26 से, तो 26 47 में 1 टाइम होगा, तो यहाँ 47 1 टाइम जाएगा 26 होगा, तो 7 - 6 1 है, 4 - 2 21 आ गया। तो आप देखिए नेक्स्ट डिजिट 7 है, तो 7 को यहाँ ले लेना। आप 217 में कितने बार है, देखिए 217 में 8 टाइम्स होगा, तो 8 25 200 और 208 होगा, ठीक है 208, तो 17 - 8 9 हो रही, ठीक है तो 9 ही बच रही है यहाँ 8 टाइम्स जाके। तो आप नेक्स्ट डिजिट क्या है, देखिए 7 पे ले लिया यहाँ, इसके बाद 2 है, ठीक है 2 यहाँ डाउन करना। तो आप 92 में 26 कितने बार है, 3 बार है, 3 बार जाएगा ना, तो 326 78, तो 12 - 8 4 ही होगा, और 14 बाकी रहेगा, क्या बाकी रहेगा यहाँ रिमाइंडर 14 होगा, ठीक है। अब देखिए 183 में, तो 183 में 26 जाएगा ना, तो 26 से डिवाइड करना, तो 26 देखिए 26 7 182 होगा, तो 183 - 182 बचेगा 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो रिमाइंडर आया ना, ये तो डेसिमल सिस्टम में रिमाइंडर आया, बट यहाँ जो नंबर है ना, इनकी डिजिट क्या है, अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेटिकल डिजिट है, तो ये जो रिमाइंडर है न्यूमेरिकल रिमाइंडर है, इनको अल्फ़ाबेटिकली कन्वर्ट करना। तो देखिए हम तो देखिए इस सिस्टम में हम नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं ना, यहाँ जो होते हैं यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ 7 देखिए किसके बराबर है, 7 एज के बराबर है, ठीक है तो 7 की जगह हम एज लिखेंगे, ठीक है एज, ये तो 1 बचा ना, तो 1 किसके बराबर है, देखिए बी के बराबर है, तो इसको ब्रैकेट में बी लिखेंगे। अब 14 देखिए किसके बराबर है, 14 ओ के बराबर है, ठीक है तो इसकी जगह हम ओ लिखेंगे। अब 2 किसके बराबर है, देखिए सी के बराबर है, तो इसकी जगह हम सी लिखेंगे। अब देखिए 5 किसके बराबर है, 5 एफ के बराबर है, तो इसकी जगह हम एफ लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये लाइन लिखना, हेड टू द बेस 26, देयरफॉर एच ए टी हेड टू द बेस 26 इनटू बी ए डी बैक टू द बेस 26 इज इक्वल टू, ये नंबर लिखना एच बी ओ सी एफ, एच बी ओ सी एफ ओ सी एफ टू द बेस 26, भाई पक्का हो गया। या अगर किसी ने ऐसा ही लिख दिया, यहाँ डिजिट 7 है और 7 1, ठीक है 7 1 और 14 जो है ना, इसको ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है ये एक सिंगल डिजिट है, 2 और लास्ट में 5, ऐसा अगर किसी ने लिख दिया ना, तो भाई नाजायज नहीं होगा, ये भी वैलिड होगा। तो भाई ये रहा आपकी फाइनल आंसर। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द प्रोडक्ट। तो यहाँ कुछ बाइनरी नंबर्स दिया गया है, इनके प्रोडक्ट निकलना, मतलब मल्टीप्लाई करना। तो बाइनरी नंबर का मल्टीप्लाई करना कुछ नहीं, हमने पिछले वीडियोज़ में सीखा था कि बाइनरी नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं और एक से दूसरे को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब माइनस करते हैं, ठीक है। तो आप सीखेंगे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करने की प्रोसेस जैसा कि डेसिमल में करते हैं सेम वैसा ही, 0 × 0 है तो 0 होते हैं, 0 × 1 0, 1 × 0 0 है, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट 0 आएगा, ये तो डेसिमल में भी होते हैं, 1 × 1 1 ये भी डेसिमल में होते हैं। अब देखिए 0 + 0 इज इक्वल टू 0, आप प्लस करना, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1,
लेकिन बाइनरी में 1 + 1 इज इक्वल टू क्या होते हैं, 1 0 होते हैं, इसको 10 नहीं पढ़ना, 1 0 पढ़ना। तो ये 2 के बराबर है, किसके बराबर है, 2 के बराबर है। यहाँ देखिए 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 1 1, ये क्या है, 3 के बराबर है। और 1 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 1 0 0, ये क्या है, 4 के बराबर है। ठीक है, 4 के बराबर है। ये तो हमने पिछली वीडियो में देखा था ना। अगर इस रूल आपको पता नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर इस एक्सरसाइज के पार्ट 1 देख लीजिए, तो इसके कॉन्सेप्ट और भी अच्छी से क्लियर हो जाएगा। अब माइनस देखिए, 0 - 0 तो 0 होगा, 1 - 1 0 होगा, और 1 - 0 1 ही होगा, ऐसा तो डेसिमल में भी होते हैं। अब सॉल्व करते हैं, तो देखिए 1 1 × 1 0, तो इसको हम बांटे के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 1 0 है ना, तो इंटू क्या, तो 0 × 1 क्या होता है, देखिए मल्टीप्लाई में 0 × 1 0 ही होते हैं, 0, फिर से 0 × 1 0 होगा। अब देखिए यहाँ डेसिमल में इस साइड में क्या करते हैं, जब नेक्स्ट नीचे की लाइन में आते हैं ना, तो यहाँ से एक डिजिट छोड़ देते हैं, तो 1 × 1 क्या होते हैं, देखिए 1 × 1 1 है, तो 1 यहाँ से स्टार्ट करना, फिर से 1 × 1 1 है। अब देखिए ऐड करना इनको, तो 0 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 0 आएगा, तो 0 + 1 क्या होते हैं, देखिए 0 + 1 1 ही होते हैं ना, 1, तो यहाँ 1 है। तो देखिए इसके मल्टीप्लीकेशन करने में जो रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा, ये 1 1 0 ही आएगा। तो ऐसे ही भाई सब सॉल्व करना, इजी है, बहुत सीजी है। अब 2 नंबर देखिए, 1 0 1 0 × 1 1, तो ये भी पार्टी के लिए कर लेंगे, 1 0 1 0 × 1 1, तो सेम प्रोसेस, 1 × 0 0 होगा, 1 × 1 1 होगा, 1 × 0 फिर से 0, 1 × 1 1। अब देखिए 1 × 0 0, 1 × 1 1, 1 × 0 फिर से 0, 1 × 1 1। अब सबको ऐड करना, देखिए तो 0 या 0 आएगा, 1 + 0 क्या होते हैं, देखिए 1 + 0 1 ही होते हैं, फिर से 0 + 1 0 + 1 1 है, 1 1 + 0 1, और यहाँ तो 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट 1 1 1 1 0 आएगा। अब देखिए 4 डिजिट नंबर, दोनों 4 डिजिट नंबर्स है, तो 1 1 0 1 फिर से 1 0 0 1 इंटू, तो 1 × 1 1 है, 1 × 0 0 है, 1 × 1 1 है, 1 × 1 फिर से 1 है। अब नेक्स्ट रो में देखिए 0 × 1 0 × 1 0 होते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करना, फिर 0 × 0 0 0 × 1 0 0 × 1 0, अब फिर से 0 से देखिए, फिर से सब 0 आएगा, तो यहाँ से 0 0 0, या 0 से 4 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है ना, तो सब 0 आ जाएगा, फिर से 1 है, देखिए 1 × 1 यहाँ से स्टार्ट करना, 1 होगा, 1 × 0 0, 1 × 1 1, 1 × 1 1, अब सब को ऐड कर लेना, तो यहाँ 1 है, 1, 0 + 0 0 है, 0 + 0 0 है ना, 1 + ये तो सब 0 है ना, तो 1 + 0 + 0 1 ही होगा, फिर से देखिए यहाँ 2 0, लेकिन 2 1 है, 1 + 1 क्या होते हैं, देखिए 1 + 1 1 0 होते हैं ना, 1 + 1 1 0 होते हैं, लेकिन यहाँ 1 0 नहीं लिखना, सिर्फ 0 लिखना और 1 कैरी करना, तो 1 कैरी करके यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है, तो ये 1 है, 1 + 0 + 0 + 0 1 ही होगा ना, 1 के साथ 0 + होने से 1 ही होगा, ठीक है, तो ये जो 1 है, इसके इससे कैरी करके यहाँ आया, अब देखिए 0 + 1 1 और यहाँ 1, फाइनल रिजल्ट ये है, 1 1 1 0 1 0 1। आप देखिए ये है 6 डिजिट नंबर और ये है 4 डिजिट नंबर, तो 1 1 0 1 0 1 इंटू 1 1 0 1, 1 1 0 1। अब देखो 1 × 1 1 1 × 0 0, 1 × 1 1 1 × 0 फिर से 0, 1 × 1 1 1 × 1 1, फिर से देखिए 0 से इन सब को मल्टीप्लाई करने से सब 0 हो जाएगा, तो 6 डिजिट है यहाँ, तो 6 6 0 आएगा, 0 0 0, देखिए डिजिट के नीचे डिजिट लिखना, 0 0 और 1 0 यहाँ। अब 1 से देखिए 1 × 1 1 से मल्टीप्लाई करने से सेम ये सब डिजिट आएगा, तो एक डिजिट छोड़ के यहाँ 1, यहाँ 1, फिर से 0 1 0, ठीक है 1 1, अब फिर से देखिए 1 से मल्टीप्लाई होना है, सेम ये सब डिजिट आएंगे, तो 1 अब यहाँ से स्टार्ट करना, 1 0, ये 1 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, और ये जो 1 यहाँ आएगा और ये जो 1 यहाँ आएगा, आप सबको ऐड करना, तो देखिए 1 1 0 + 0 0 है, 1 + 1 क्या होते हैं, 0 होते हैं, 1 + 1 देखिए 1 + 1 2 के बराबर है ना, तो बाइनरी में 1 0 होते, तो 1 0 के लिए 0 लिखना और 1 यहाँ कैरी करना, यहाँ कैरी हो जाएगा, तो 1 + 0 + 0 + 0 तो 1 ही होगा, और यहाँ 1 है, 1 + 1 फिर से 0 आएगा, आप कैरी हो जाएगा, यहाँ कैरी होगा 1, तो यहाँ 3 1 है, देखिए ये एक छोटा 1 मतलब कैरी करके जो लाया था ना, वो 1 3 1 है, 3 1 ऐड करने से देखिए 1 1 हो रहे, तो 1 1 यहाँ लिखना और 1 1 इस पर कैरी कर लेना,
तो आप फिर से तीन वन है, देखिए जीरो को प्लस करना है तो सेम नंबर ही आएगा, तो तीन वन से फिर से देखिए वन वन ना, तो वन यहाँ आएगा और फिर से वन यहाँ कैरी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक वन कैरी करके लाया और यहाँ एक वन, तो वन प्लस वन क्या होते हैं, वन जीरो होते हैं, तो वन जीरो के लिए यहाँ जीरो लिखते हैं और फिर से वन यहाँ तक कैरी कर लेते हैं। फिर से देखिए वन तीन बार है ऐड करना, तो वन वन होता है तो वन लिखना और वन यहाँ कैरी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वन प्लस वन वन जीरो होगा, आप कैरी मत करना क्योंकि इसके इधर और कोई डिजिट नहीं। तो फाइनल आंसर भाई ये हुआ 1010 1100 01। आप क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, तो इसे भी बांटे के लिए लिखना, तो देखिए वन वन चार वन है, वन 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 जीरो वन 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 वन, यहाँ देखिए वन वन जीरो है, फिर से वन 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 मल्टीप्लाई करना, तो देखो वन इंटू वन वन होते हैं, वन इंटू वन फिर से वन होगा, वन इंटू जीरो जीरो होगा, वन इंटू वन वन होगा, वन इंटू वन वन है, वन इंटू वन वन है, फिर से वन इंटू वन वन है, ठीक है। अब देखिए फिर से वन से मल्टीप्लाई करना, तो वन से मल्टीप्लाई करने से ये सब ही आएगा, मतलब ये रिपीट होगा और यहाँ से स्टार्ट करना, तो वन वन ये जीरो यहाँ आ जाएगा। अब देखिए वन तो वन 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 यहाँ भी वन होगा। आप देखिए जीरो से मल्टीप्लाई करने से ये सब जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से स्टार्ट करना जीरो 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 जीरो, ठीक है। अब फिर से वन से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ से तो ये लाइन ही आएगा ना, तो वन वन जीरो वन वन जीरो, इसके बाद चार वन है तो वन 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 वन, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से वन से, तो सेम ये लाइन आएगा, ये रो आएगा, ठीक है। तो वन वन अब जीरो यहाँ आ जाएगा, फिर से देखिए वन चार बार है, एक दो तीन चार, आप सबको ऐड कर लेना, तो देखिए यह वन है, ठीक है। वन लिखना, वन प्लस वन क्या होते हैं, अच्छा इसे ऐसे लिखते हैं, तो वन प्लस वन वन जीरो है ना, तो जीरो यहाँ लिखना और यह वन कैरी करना। अब फिर से वन प्लस वन तो जीरो आएगा, यह वन कैरी हो जाएगा। अब देखिए तीन वन, तो तीन वन ऐड करने से वन वन आएगा, तो वन कैरी वन लिखना और वन यहाँ कैरी कर लेना। अब देखिए वन 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 पाँच वन आया, ठीक है। यहाँ कितने वन आ गया, पाँच वन आ गया ना, तो पाँच वन के लिए देखिए पाँच वन अगर ऐड करें ना, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन इज इक्वल टू डेसिमल में फाइव आएगा, और इसके इक्विवेलेंट बाइनरी में वन जीरो वन आएगा, ठीक है। तो वन जीरो वन के लिए देखिए यहाँ वन लिखना, वन लिखना और यहाँ वन तो लिखा ना, ये वन तो यहाँ आ गया, तो यहाँ बाकी रहा वन जीरो, तो वन जीरो यहाँ कैरी करना, तो वन जीरो कैरी करना मतलब जीरो यहाँ आएगा और यहाँ वन आएगा, ठीक है। तो आप देखिए फिर से तीन वन आ रही है, तीन वन यहाँ आ रही है ना, तो तीन वन ऐड करने से वन वन होगा, इसके लिए वन लिखना और वन यहाँ कैरी कर लेना, तो यहाँ भी वन आएगा, ठीक है। और एक वन कैरी होगा, यहाँ और एक वन कैरी, आप देखिए कितने वन, वन 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 वन, कितने वन, एक दो तीन चार पाँच, फिर से पाँच वन आया, तो यहाँ वन लिखना और वन लिखना और बकरे है वन जीरो, तो वन जीरो कैरी करना, ठीक है। तो जीरो यहाँ कैरी होगा और यहाँ वन कैरी होगा, ठीक है। तो देखिए जीरो प्लस वन तो वन ही होगा, यहाँ तीन वन है तो तीन वन ऐड करने से वन वन आएगा, तो वन लिखना और वन फिर से यहाँ कैरी हो जाएगा। देखिए इस कलम से वन यहाँ कैरी हुआ, ये वन, और इस कलम से ये वन कैरी हुआ। अब यहाँ फिर से चार वन है, तो चार वन के लिए क्या होते हैं, देखिए वन जीरो जीरो होते, तो जीरो लिखना, वन जीरो जीरो होते हैं ना चार वन के लिए, तो ये जीरो तो यहाँ लिख दिया। अब वन जीरो कैरी करना, तो वन जीरो कैरी करने से यहाँ जीरो आएगा और यहाँ वन आएगा, ठीक है। तो देखिए जीरो प्लस वन प्लस वन, तो वन प्लस वन वन जीरो होते हैं, तो जीरो लिखना, फिर से वन कैरी होगा। तो आप देखिए फिर से तीन वन आया, तो तीन वन ऐड करने से वन वन मिलेगा, ठीक है। ये सब इरेज कर देता हूँ। तो देखिए फाइनल आंसर ये हुआ भाई, अब देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो चार डिजिट के नंबर है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो देखिए वन 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 वन, चार वन है, ज़ीरो वन 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 ज़ीरो वन वन, तो वन वन ज़ीरो वन से मल्टीप्लाई करना, तो वन इंटू वन वन है, वन इंटू वन फिर से वन है, वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो है, वन इंटू वन फिर से वन है, वन इंटू वन फिर से वन है, वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो है, वन इंटू वन वन है, वन इंटू वन वन है, वन इंटू वन फिर से वन है, वन इंटू वन वन है, ठीक है। आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने से सब तो ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ से ज़ीरो लिखना, एक दो तीन चार ज़ीरो पाँच ज़ीरो, इस पर ज़ीरो 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 ज़ीरो, और यहाँ एक ज़ीरो
तो यहाँ बाहर एक जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब वन से मल्टीप्लाई करने से देखिए सेम ये रो आएगा, तो यहाँ से स्टार्ट करना, तो वन वन ये जीरो यहाँ आ जाएगा, ये वन यहाँ आएगा, ये वन फिर से यहाँ आएगा, ये जीरो यहाँ आएगा, फिर से चार वन है, तो एक वन दो वन तीन वन चार वन आएगा। अब फिर से वन से मल्टीप्लाई करना, तो सेम यही लाइन आएगा, तो यहाँ से स्टार्ट करना वन वन जीरो, ये जीरो यहाँ, फिर से वन 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 वन, फिर से जीरो है इसके नीचे, अब चार वन है, एक दो तीन चार। अब इन सब को ऐड कर देते, ठीक है। तो देखिए वन तो यहाँ आएगा, वन प्लस जीरो क्या होते हैं, वन ही होते हैं, फिर से देखिए जीरो प्लस वन वन ही होगा। अब देखिए यहाँ वन प्लस वन जीरो, वन प्लस जीरो प्लस वन प्लस वन, तीन मतलब तीन वन है यहाँ, तो देखिए यहाँ तीन वन ऐड हो रहे हैं, तो तीन वन से क्या होते हैं, वन वन होते हैं, तो वन वन के लिए वन लिखते और वन यहाँ कैरी करते, फिर से तीन वन ऐड हो रहे हैं, ठीक है, वन तो कैरी किया, तो तीन वन से फिर से वन वन होगा और वन कैरी होकर यहाँ आ गया, आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए वन प्लस वन क्या होते, वन जीरो होते, तो वन जीरो के जीरो लिखते यहाँ और वन यहाँ नेक्स्ट पे कैरी कर देते, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए चार वन है, ठीक है, तो चार वन के मतलब क्या है, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, तो चार वन देखिए वन जीरो जीरो होते हैं ना, क्या होते हैं, वन जीरो जीरो, तो यहाँ जीरो लिखना, ठीक है, यहाँ जीरो लिखना और वन जीरो कैरी करना, ठीक है। तो वन जीरो कैरी करने से देखिए जीरो इस कॉलम पे आ जाएगा और वन जो है ना इस कॉलम पे आ जाएगा। अब देखिए फिर से दो वन है, वन प्लस वन वन जीरो होते हैं ना, वन जीरो होते हैं, तो जीरो यहाँ लिखना और यहाँ वन फिर से कैरी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ और एक वन कैरी हो जाएगा, मतलब यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ कैरी हो जाएगा। तो आप देखिए कुल मिला के चार वन है, एक वन दो वन तीन वन चार वन, एक वन तो इस कलम से कैरी हुआ और एक वन इस कलम से कैरी होकर यहाँ आया, यहाँ जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख दिया। अब देखिए एक दो तीन चार वन आया, तो चार वन, वन प्लस वन प्लस वन, चार वन के लिए क्या होते हैं, वन जीरो जीरो होते हैं, तो जीरो यहाँ लिखना, ठीक है, और वन यहाँ कैरी कर देना, और सॉरी वन जीरो कैरी करना, तो जीरो यहाँ कैरी होगा और वन यहाँ कैरी होगा, ठीक है। अब इस कलम है ना, तो वन प्लस वन प्लस वन तीन वन, तो तीन वन से तो वन वन होते हैं ना, तो एक वन यहाँ लिखना और ये जो वन है ना नेक्स्ट पे कैरी कर देना, तो यहाँ कैरी कर आएगा, ठीक है। तो यहाँ कैरी करके दो आया, एक वन इस कलम से और एक वन इस कलम से, तो यहाँ फिर से चार वन आया ना, तो चार वन मतलब वन जीरो जीरो है ना, चार वन ऐड करने से वन जीरो जीरो आएगा, तो वन जीरो जीरो के लिए यहाँ जीरो लिखना और बाकी बचे का वन जीरो ना, तो नेक्स्ट पे कैरी कर देगा, तो यहाँ जीरो कैरी करके आएगा और यहाँ वन आएगा इस कलम पे, ठीक है। तो आप देखिए जीरो प्लस वन प्लस वन मतलब वन प्लस वन वन जीरो होते हैं, ठीक है, वन जीरो होते हैं, तो जीरो लिखा वन फिर से कैरी किया, तो आप देखिए तीन वन, तीन वन ऐड करने से तो वन वन आएगा, तो वन वन लिखा, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट पर ये है। अब नेक्स्ट सेवन नंबर देखिए, तो ऐसा ही अरेंज करना, वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन, तो ये फाइव डिजिट नंबर है, वन 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 जीरो वन, तो वन इंटू वन वन होगा, वन इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, वन इंटू जीरो फिर से जीरो हो जाएगा, वन इंटू वन वन हो जाएगा, वन इंटू जीरो फिर से जीरो, वन इंटू जीरो फिर से जीरो और वन इंटू वन वन होते हैं, ठीक है। आप जीरो से मल्टीप्लाई करने से सब जीरो हो जाएगा, तो जीरो जीरो इसके नीचे जीरो, इसके नीचे जीरो, इसके नीचे भी जीरो और इसके नीचे भी जीरो और एक जीरो आएगा, ठीक है। अब फिर से वन से देखिए, वन से मल्टीप्लाई करने से सेम वही लाइन आएगा, तो स्टार्ट करना यहाँ से वन जीरो जीरो, फिर से वन आ रही है, इसके बाद फिर से दो जीरो है, इसके बाद लास्ट में वन है। अब फिर से वन से मल्टीप्लाई करना, तो सेम ये लाइन आएगा लेकिन यहाँ से स्टार्ट होगा वन जीरो जीरो, ठीक है, वन जीरो जीरो, फिर से वन आया, फिर से देखिए जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन, फिर से देखिए वन से मल्टीप्लाई करना, तो वन से तो सेम ही लाइन आएगा लेकिन यहाँ से स्टार्ट होगा वन जीरो जीरो, फिर से वन और दो जीरो है जीरो जीरो, लास्ट में एक वन, ठीक है। अब इन सब को ऐड कर देना, तो वन है यहाँ वन, जीरो प्लस जीरो जीरो होते हैं, जीरो प्लस वन वन होते हैं, वन प्लस वन वन जीरो ना, तो जीरो यहाँ लिखना और वन नेक्स्ट पे कैरी कर देना। अब देखिए यहाँ अल्टीमेटली वन दो है, तो वन प्लस वन फिर से वन जीरो जीरो लिखना और वन यहाँ कैरी होगा, ठीक है। अब देखिए फिर से दो वन है, तो वन प्लस वन जीरो कैरी करना पड़ेगा वन, ठीक है। अब यहाँ तीन वन है, तो तीन वन ऐड करने से बाइनरी में वन वन आएगा, तो वन लिखना और वन यहाँ कैरी कर देना, ठीक है। और फिर से दो वन है, वन प्लस वन जीरो होते हैं और नेक्स्ट पे वन कैरी होते हैं,
अब देखिए फिर से 2 1 है, तो 1 प्लस 1 0 है, यहाँ 1 के लिए होगा। अब फिर से 2 1 है, 1 प्लस 1 0 है, 1 के लिए होगा। अब देखिए फिर से 1 प्लस 1 1 0 होते, ठीक है। तो भाई ये है फाइनल आंसर, इजी है ना, बहुत इजी है।